और बड़ी खबर आ रही है, पुणे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मुखिया बताया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो किस तरह से आप देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अमित शाह ने निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे जो कि अब महाविकास आघाड़ी के साथ है, 2019 में उन्होंने पाला बदल लिया था और सरकार बनाई थी और तब से ही बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच घमासान छिड़ा रहता है। और गृहमंत्री अमित शाह ने पीएफआई समर्थकों के साथ उद्धव ठाकरे को बताया है कि सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। औरंगजेब फैन क्लब कौन है, जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं, और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहा लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। जी न्यूज़।